जय हिंद प्यारे बच्चों, आज हम फिजिक्स में और आगे आपको कुछ पहलू और बताते हैं। जैसे कि आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा रेखीय आवर्धन, तो डालो हेडिंग आप लोग, किसी लेंस के लिए रेखीय आवर्धन, तो लिखो डेफिनेशन, किसी लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई, तथा स्वयं उसी वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, इसे स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, देखो, माना कि किसी लेंस के लिए प्रतिबिंब की लंबाई y2 तथा वस्तु की लंबाई y1 है। प्रतिबिंब की लंबाई y2 तथा वस्तु की लंबाई y1 है, तो रेखीय आवर्धन ये बनेगा सूत्र m बराबर y2 अपॉन y। ठीक है, या y2 अपॉन y1 बराबर b अपॉन u, या हम कह सकते हैं m बराबर b अपॉन u। आपका चाहे उत्तल लेंस हो चाहे आपका अवतल लेंस हो, दोनों लेंसों के लिए रेखीय आवर्धन होता है m बराबर b बटे u, दोनों लेंस हो, ठीक है ना, m बराबर b अपॉन u। ठीक है ना, इसे नोट कर लीजिएगा। अब देखो विशेष कंडीशन लिखिएगा, देखो किसी लेंस के लिए 1/v - 1/u = 1/f। अगर तो इस पूरे में बी से गुणा कर दें तो b/v - b/u = b/f। बी से बी कट गया, 1 - b/u = b/f। ठीक है, इसको ध्यान दिया, 1 - b/f = b/u, इसमें f कॉमन ले तो f - b/f = b/u। और b अपॉन u क्या होता है, m रेखीय आवर्धन, ये हो जाएगा फिर हमारा सीधा सीधा m = f - b/f। ये जो है फोकस दूरी के रूप में रेखीय आवर्धन का सूत्र है। ठीक है, ठीक, फोकस दूरी और b के लिए। अब फिर पुनः फिर लिखे द्वारा इसको हम, ठीक है, एक लेंस का सूत्र फिर लिखा, 1/b - 1/u = 1/f। अब इसमें हम गुणा करते हैं u से, तो क्या हो जाएगा, u/b - u/u = u/f। u से u हो गया, ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा u/b - 1/u/f, जिधर पहुंच जाएगा अपन, तो u/v = u/f+1। इसका एलसीएम हो गया f, तो ये हो गया u+f। इसको उल्टा कर दो आप, तो v/u = f/u+f। और v/u क्या होता है, m, तो ये हो जाएगा सीधा
एम बराबर एफ अपॉन यू प्लस ए सीधा सीधा शुरू हो जाएगा आपका यू और एफ के रूप में, ठीक है ना, और समझ आई। अब डालो नेक्स्ट हेडिंग लेंस की क्षमता, ठीक लिखो, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी को मीटर में नापा जाए तो इस फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। तो पी बराबर एक बटे एफ, जबकि फोकस दूरी किसमें मीटर में, एकदम फोकस दूरी ले सेंटीमीटर में, ये हो जाता है पी बराबर 100/f। ये तब लगेगा जब हम फोकस दूरी को लेंगे सेंटीमीटर में, यदि हम फोकस दूरी लेते मीटर में तो पी बराबर 1/f। 0.2